नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज जनवरी 15 शनिवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। देश दुनिया राज्य में ओमिक्रॉन पर नुआ नुआ नियम सहित कटकणा लगी। राज्य सरकार केउं योजना आरंभ करने को जाउचंती, केउंठारे केउं नियम लागिला। या सहित चाषी मानक भल खबर रही। ई श्रम कार्ड रे श्रमिक मानक मिलिबो 1000 टंका। पानी बेग ठारु आरंभ कर सुना और क्रिकेट संपर्कित अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक रही। तेज आसतु आज सकाळर सब खबर उपर नजर पकाइबा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को जीवा पूर्व वीडियो को प्रथम गोटे लाइक करूँ। यह सहित चैनल को नुआ आसते चैनल को सब्सक्राइब करने को भूल। नंबर एक, बदलिला होम क्वारंटाइन नियम। घर संगरोध पर जारी है नुआ मार्गदर्शिका। केन्द्र स्वास्थ्य मंत्रालय पक्षर यह मार्गदर्शिका जारी होई। सामान्य लक्षण किंबा लक्षण विहीन लोक मानक संगरोधरे रहिबाकु कुहा जाइछि। 60 वर्षर अधिक वयस्क लोके घरे संगरोधरे रहिबे। सेहिपरि एकाधिक रोगरे पीड़ित थिबा व्यक्ति डाक्तरक परामर्श क्रमे रहिबे। लक्षण विहीन व्यक्ति कोविड परीक्षा करिवार आवश्यकता नाही बोली केन्द्र स्वास्थ्य मंत्रालय कहिछि। सेहिपरि पॉजिटिव थिले 7 दिन घरे संगरोधरे रहिबे। नंबर दुई, आवश्यक नथिले हॉस्पिटल को आसंतु नहीं। हॉस्पिटल रे कटकणा संपर्क रे प्रतिक्रिया रखिछंती स्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर विजय महापात्र। से कहिछंती हॉस्पिटल रे सबबळे अधिक गहळी रहउछि, तेणु एठार संक्रमण आशंका अधिक रहिछि। तेणु अति दरकार नथिले रोगी माने हॉस्पिटल को बारंबार आसंतु नहीं। जेउ मानकर साधारण रोग रहिछि सेमाने रोग लागि टेलीमेडिसिन सेवा सेमानक पई आरंभ होइछि। सेमाने सेठार जोगाजोग करी औषध खाइपारे। या सहित हस्पिटाल गुड़िक माइनर सर्जरी नुहे, केवल जरूरी कालीन सर्जरी को प्राथमिकता दिजिव। नंबर तीन, जनवरी 31 रु बजेट अधिवेशन। जनवरी 31 रु आरंभ हेब संसदर बजेट अधिवेशन। बजेट अधिवेशन को नहीं आज प्रकाश पाई विज्ञप्ति। फेब्रुआरी पहला रे उपस्थापित हेब केंद्रीय बजेट। प्रथम पर्याय बजेट अधिवेशन फेब्रुआरी 11 पर्यंत चलिबो। बजेट अधिवेशन रो द्वितीय पर्याय मार्च 14 रु आरंभ हो एप्रिल 8 पर्यंत चलिबो। फेब्रुआरी 1 रे सरकार 2022-23 आर्थिक वर्ष पई बजेट उपस्थापन करिवे। नंबर चार, आज 21 जिले में कालबैशाखी वर्षा। आज ठार बदल पाग एवं बढ़ शीत। आज ठार सर्वनिम्न तापमात्रा 3-4 डिग्री सेल्सियस ह्रास पाइबार संभावना रही। यह पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणिपाग विज्ञान केन्द्र। आसंता 24 घंटा मध्य राज्यर अधिकांश स्थान गुड़िक मध्यम रु हल्का धरणर वर्षा होइपारे। सेहिपरि 21 जिला को येलो वार्निंग जारी करा कालबैशाखी वर्षापाई। यही 21 जिला हेउछि कटक, जगतसिंहपुर, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, रायगढ़, मालकानगिरी, कोरापुट, सुंदरगढ़, गजपति, गंजाम, बरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, सुंदरगढ़, देवगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज, नयागढ़, खोर्धा एवं पुरी जिला। नंबर पाँच, आदर्श विद्यालय रे नियुक्ति पाई 21 रु आवेदन। राज्यर विभिन्न आदर्श विद्यालय रे खाली पड़ा 1749 शिक्षक और अणशिक्षक पदवी नियुक्ति पाई आवेदन प्रक्रिया आसंता जनवरी 21 रु आरंभ हेब। जनवरी 21 तारिखर ऑनलाइन माध्यम रे पंजीकरण आरंभ होता बेले फेब्रुआरी 20 पर्यंत पंजीकरण चलिबो। आशायी प्रार्थी माने फेब्रुआरी 22 तारिख सुधा फी दाखल करि पारिबे। नंबर छ, सस्ता हेउछि सोरिष तेल। खाउटी मानक आश्वस्तिकर खबर, नियंत्रण को आसुचि खाइबा तेलर मूल्य। खाइबा तेलर मूल्य रे ह्रास साधारण खाउटी मानक एबे आश्वस्ति प्रदान करिछि। 2-3 मास पूर्वर जेउंटी सोरिष तेल दर आकाश छुआ थिला एबे 17-22 टंका सस्ता होइछि। तबे खाइबा तेल उपरे आमदानी शुल्क शून्य करने सहित भविष्य और व्यवसायिक चुक्ति उपरे रोक लगाइबा परे सरकारक पदक्षेप जोगू मूल्य ह्रास पाइथिबा कुहा जाउछि। सेपटे व्यवसायी मानकर मतरे खाइबा तेलर मूल्य आगक आहुरी सस्ता हेबो। नंबर सात, 4 दिन बंद रहिबो नृसिंहनाथ मंदिर। पश्चिम ओडिशार प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र नृसिंहनाथ मंदिर 14 तारिख रु 17 तारिख पर्यंत बंद रहिबो। मंदिर कमिटी सभापति तथा वीडियो उपांजलि माझी एही सूचना देइछंती। कोविड संक्रमण को दृष्टि रखी एपरी निष्पत्ति होइछे, किंतु ठाकुरों पूजार्चना और नीतिकांति पूर्वपरि चलिबो। सेहिपरि दुकान बजार मध्य खुला रहिबो, किंतु साधारण दर्शन होइपरिबो नाही। नंबर आठ, पुणी कार्यकारी हेब आशिका चीनी शिल्प।
ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଶାଖା ପରିଚାଳକା କାରଖାନାର ପରିଚାଳକା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି, ଯଥାସମ୍ଭବ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଆଗକୁ ଆଖୁ ଚାଷ ପ୍ରତି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି ଅଧିକ ଜମିରେ ଚାଷ ହେବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବିଲ୍ କରାଯିବ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆସିକା ଚିନିଶିଳ୍ପ ତା'ର ଗୌରବ ଫେରିପାଇବ ଓ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଓଠରେ ହସ ଫୁଟିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 9, ପୁଣି ଢିଙ୍କିଆ ଅଶାନ୍ତ। ପୂର୍ବରୁ ପୋସ୍କୋ ବେଳେ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଏବେ JSW ବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ସମାନ କଥା। କାଲି ଢିଙ୍କିଆରେ ପୋଲିସ ଓ ପବ୍ଲିକ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କି ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାରୀ ଜମିରେ କରାଯାଉଥିବା ଶିଳ୍ପକୁ ବିରୋଧ କ'ଣ ପାଇଁ? ପୂର୍ବରୁ ପୋସ୍କୋକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଏବେ JSWକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଢିଙ୍କିଆରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ JSW ପ୍ରକଳ୍ପ 55,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇସ୍ପାତ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏହା ହେବା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏଠାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତେବେ କାଲି ଢିଙ୍କିଆରେ ପୋଲିସ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ସହିତ ଲାଠିଚାର୍ଜ ହୋଇଛି, ଏଥିରେ ବହୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 10, ଭିତରକନିକାରେ 144 ପ୍ରକାର ବିଦେଶ ପକ୍ଷୀ ଆସିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଚଳିତ 12 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଗଣନା ରିପୋର୍ଟରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ତଥ୍ୟ। ଗତବର୍ଷ ଭିତରକନିକାରେ 136,092 ପକ୍ଷୀ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏ ବର୍ଷ 138,107 ପକ୍ଷୀ ଆସିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗତବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଭିତରକନିକାକୁ ଏ ବର୍ଷ 2015 ପକ୍ଷୀ ଅଧିକ ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗତବର୍ଷ ଭିତରକନିକାକୁ 121 ପ୍ରକାରର ପକ୍ଷୀ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏ ବର୍ଷ 144 ପ୍ରକାରର ପକ୍ଷୀ ଆସିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 11, ବଢ଼ୁଛି ଭିତରକନିକା ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ। ହେନ୍ତାଳ ବନ ବୃଦ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ 1 ରାଜ୍ୟ ପାଲଟିଛି। ଭାରତୀୟ ଜଙ୍ଗଲ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ 2019-20 ରିପୋର୍ଟରେ ହେନ୍ତାଳ ବନ ବୃଦ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ତୃତୀୟରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରହିଛି। 2018 251 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ହେନ୍ତାଳ ବନ ଥିଲା, ଆଉ ଏବେ 2019-20 ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 8 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 269 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ନମ୍ବର 12, ସୂଚନା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଗତ 10/12/2021 ତାରିଖରେ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବମାନଙ୍କୁ ଚିଠି କରାଯାଇ ଅନଲାଇନ୍ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କଠାରୁ ଏହାର ହାର୍ଡ କପି ନ ମାଗିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଅନଲାଇନ୍ରେ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏହାର ପ୍ରିଣ୍ଟ କପି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଏହାକୁ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କପି ବା ହାର୍ଡ କପି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ନମ୍ବର 13, ଆସିଲା ଫାଇନାଲ ରିପୋର୍ଟ, କ୍ରାସ ପଛରେ ହୋଇନାହିଁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି। ଆସିଲା CDS ବିପିନ ରାଉତଙ୍କ ଚପର କ୍ରାସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ। ହେଲିକପ୍ଟରରେ ସେଦିନ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ଏ ନେଇ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। ହେଲିକପ୍ଟରରେ ସେଦିନ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି କିମ୍ବା କୌଣସି ଅବହେଳା ହୋଇନାହିଁ, ଏହା କେବଳ ପାଗ ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ଆସିଛି। ହଠାତ୍ ପାଗରେ ଘଟିଥିଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବାଦଲ ଭିତରେ ପଶିଯାଇଥିଲା ଚପର। ପାଣିପାଗରେ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା ହେଲିକପ୍ଟର। ତେବେ 3 ସେନାର ମିଳିତ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟରୁ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ନମ୍ବର 14, ଶରୀର ପାଇଁ ଟିକା ଓ କାଢ଼ା ଜରୁରୀ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଓ କାଢ଼ା ଉଭୟ ଜରୁରୀ ବୋଲି ବରିଷ୍ଠ ଏଲୋପାଥିକ୍ ଚିକିତ୍ସକ ଡାକ୍ତର ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କରୋନାର ରାମବାଣ ହେଉଛି ଟିକା। କାଢ଼ା ମଣିଷ ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇବ। ଯଦି କୋଭିଡ଼ ହୋଇଛି ତେବେ ପ୍ରକୋପ କମିଯିବ, ଯଦି କୋଭିଡ଼ ହୋଇନି କାଢ଼ା ପିଇଲେ କୋଭିଡ଼ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ କମିଯିବ, କାରଣ ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇଥାଏ କାଢ଼ା। ସେହିପରି କାଢ଼ା ପିଇଲେ କୋଭିଡ଼ ପଜିଟିଭ୍ ଥିବା ଲୋକ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, କେବଳ ଟିକା ନେଲେ ହିଁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବେ। ନମ୍ବର 15, BMCରେ ବଢ଼ିଲା କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍। BMCରେ ଆଜି ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ମାଇକ୍ରୋ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍। Unit 9 29 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗରର 43 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଏବେ ମାଇକ୍ରୋ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି କଟକରେ ଏକାଧିକ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ 3 କୋର୍ଟ ପରିସରକୁ ମାଇକ୍ରୋ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। 3 କୋର୍ଟ ପରିସର ହେଉଛି ସିଭିଲ୍ କୋର୍ଟ, SDGM କୋର୍ଟ ଓ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ୍ କୋର୍ଟ।
नंबर 16 जनवरी शेष में ओडिशा रे पिक रहिबो कोरोना। बेंगलोर स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस रो मॉडल कहुचे जनवरी शेष सप्ताह रे ओडिशा रे शीर्ष छोइं परे संक्रमण। आकलन अनुसार जदि 30% लोक संक्रमण होंती तबे दैनिक 10,000 संक्रमित हेबे। जदि 60% लोक संक्रमित होंती तबे दैनिक 15,000-20,000 पिक मामला आसिबो। जदि समस्त जनसंख्या बा 100% लोक कोरोना रे आक्रांत होंती तबे प्रतिदिन 22,000-25,000 मामला आसिबो। तेबे जनवरी शेष नुहे आहुरी शीघ्र दैनिक संक्रमण 25,000 आसीपे सतर्क कराई वरिष्ठ डाक्तर नीरज मिश्र। समस्त को कोरोना हो पारे तेबे गुरुतर न होथिबार भय नक सतर्क रुहतु। नंबर 17 बढ़ला मुख्य शासन सचिवों कार्यकाल। मुख्य शासन सचिव सुरेश चंद्र महापात्र कार्यकाल आउ 6 मास वृद्धि पाई। फेब्रुआरी 28 तारीख में तांकर कार्यकाल शेष होता किंतु कोविड परिचालन दक्षता थिबारु राज्य सरकार तांकर कार्यकाल वृद्धि करने को केन्द्र सरकार को अनुरोध करते। तेब राज्य सरकार अनुरोध को रक्षा कर 1986 ब्याचर आईपीएस अफिसर सुरेश चंद्र महापात्र कार्यकाल को वृद्धि करिसेंती केन्द्र सरकार। नंबर 18 3.37 कोटी अतिरिक्त खर्च पर मंजूरी। चलित आर्थिक वर्ष रे अतिरिक्त 3.37 लाख कोटी टंका अतिरिक्त खर्च करने को केन्द्र सरकार को अनुमति प्रदान करिसेंती राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। 2021-22 बजेट रे सरकार को मोट खर्च 34.83 लाख कोटी टंका हेबो बोली आकलन करा जाउथिला किंतु सरकार द्वारा उपस्थापित अनुमोदन पई 2टी ब्याज सप्लीमेंटरी डिमांड को विचार को नहीं यह अधिक हेबो बोली आशा करा जाउछि। नंबर 19 आज भीमसारे होगा परीक्षा बातिल। भीमसारे MBBS छात्र छात्री ऑफलाइन परीक्षा को स्थगित कर 15-18 तारीख पर्यंत होगा परीक्षा को स्थगित करें सूचना देखते भीमसार निर्देशक ललित मेहर। मेडिकल कॉलेज 30+ छात्र छात्री कोरोना रे आक्रांत होगापे एपरी कटकणा लग जाए। अंपटे आउ एक घटना घटी विशृंखलित आचरण और गंडगोल करने अभोग बुला भेटूस 6 छात्र छात्री विरुद्ध में कड़ा कार्यानुष्ठान अभियुक्त छात्र को ग्रेड पॉइंट काटा निष्पत्ति सहित 15,000 टंका लेखा जोरीमाना यह 31 तारीख सुधा पैठ करेंगे। नंबर 20 बीमा कंपनी लागू कले नुआ नियम। बीमा कंपनी रो नुआ नियम अनुसार जदि आपण कोरोना रे आक्रांत हो सुस्थ हो सारी तेबे आपण बीमा पॉलिसी नेबापाई 3 मास पर्यंत अपेक्षा करने को पड़ब। बीमा कंपनी गुड़िक अन्य रोग परी कोरोना भाइरस पई मध्य एही नुआ नियम लागू करिसेंती। नंबर 21 आदानी ग्रुप सहित हाथ मिलाइला पोस्को। भारतर आदानी ग्रुप एवं दक्षिण कोरिया इस्पात प्रमुख पोस्को मध्यरे एक चुक्तिनामा स्वाक्षरित होइछे। गतकाली गुजरातर एंट्रीगेट स्टील मिल प्रतिष्ठा समेत सुजोग अन्वेषण करने को यह स्वाक्षरित होइछि कंपनी गुड़िक एक बृत्ति में प्रकाश करिसेंती। तेबे एभली बृत्ति में आदानी ग्रुप कही MOU अधीन 5 बिलियन डॉलर विनियोग र। नंबर 22 आरंभ होउछि फ्लिपकार्ट सेल। फ्लिपकार्ट रे आरंभ हेबाकु जाउछि बिग सेविंग डे। बिग सेविंग डे जनवरी 17 तारीख रु आरंभ हेबो आउ एहा जनवरी 22 तारीख पर्यंत चलिबो। एथिरे स्मार्टफोन लैपटॉप स्मार्ट टीवी एवं अन्यान्य विद्युत उपकरण रिहाती दर रे मिलिबो। एहा सहित केवल ICICI बैंक रो ग्राहक मानंकु 10% रिहाती मिलिबो। एहा सहित एथिरे एक्सचेंज ऑफर मध्ये रहिछि। नंबर 23 ई श्रम कार्ड रे मिलिबो 1,000 टंका। ई श्रम कार्ड रे पंजीकरण करितिबा समस्त श्रमिक मानक पई भल खबर। ई श्रम कार्ड रे मिलिबो 1,000 टंका। उत्तर प्रदेश रो विधानसभा निर्वाचन को आख्या कर रखी एपरी घोषणा करिसेंती योगी सरकार। ई श्रम कार्ड रे प्रति मास रे 500 टंका लेखा मिलिबो एवं समस्त श्रमिक माने जे माने पंजीकरण कर सारिसेंती ई श्रम कार्ड पोर्टल रे सेमानको जनवरी और फेब्रुआरी मास रो एकाथरे गोटी किस्ती रे 1,000 टंका मिलिबा को जाउचे। तबे भविष्यत रे ओडिसा रे ई श्रम कार्ड रे पंजीकरण करथिबे व्यक्ति मानक मध्य टंका मिलि पारे। नंबर 24 पुणी हारिला भारत। कोपटाउन न्यूजीलैंड स्टेडियम रे चलिथिबा भारत दक्षिण आफ्रिका तृतीय टेस्ट रे दक्षिण आफ्रिका भारत को 7 विकेट रे परास्त करिछि। भारत द्वारा रखा जाइथिबा 221 रन विजय लक्ष्य को दक्षिण आफ्रिका 3 विकेट रे हासिल करि नैछि। यह सहित दक्षिण आफ्रिका सीरीज को 2-1 जीति नहीं। नंबर 25 पुणी बढ़ला सुना और रूपा दर।
ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 45,000 ରହିଛି। ସେହିପରି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମକୁ 49,220 ଟଙ୍କା ଥିବା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ କମିଛି। ତେବେ ଆଜି ରୂପା ପ୍ରତି କିଲୋକୁ 65,000 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି।